नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ खबर और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। होली की शुरुआत हरदोई से हुई थी। होली से हरदोई का बड़ा ही गहरा नाता है। इस समय हम रेलवेगंज इस क्षेत्र में मौजूद है और हमारे पीछे आपको होलिका दिख रही होगी। काफी होलिका का जो अभी से शुरू हो चुका है, आज की रात में ही आग लगनी है और यहाँ पूजन होता है। इसका भी काफी पुराना इतिहास है। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, इनसे जानते हैं यहाँ के इसका क्या इतिहास है। जो होलिका का पूजन है अभी से शुरू हो गया, इसका क्या मतलब है, क्यों, इसका क्या इतिहास है? देखिए, होलिका का पूजन हमारे प्राचीन काल में मान्यता है, हमारे वैदिक रीतियों से, कि कश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद थे, है ना। कश्यप जी ने जो भक्त प्रहलाद को होलिका जैसे कहा कि होलिका को वरदान था कि आप आग में जल नहीं सकती हैं, उनको एक ऐसा ढेर बना के लगाया गया था कि इसमें आप बैठ जाएंगे। भक्त प्रहलाद को मारने का उन्होंने प्राविधान बना लिया था। होलिका ने मना करना, लेकिन उन्होंने नहीं माने, लेकिन फिर भी होलिका जी लेके बैठ गए भक्त प्रहलाद को। तो होलिका का अपना एक ऐसा तत्व था, उन्होंने अपने आप को भस्म करते हुए भक्त प्रहलाद जी को बचा लिया। इसके लिए होलिका माता का हम लोग मतलब पूजा करते हैं उनकी। स्टेशन क्षेत्र के डुल्लीगंज चौराहे पे हैं और यहाँ जो है पूजन एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। यहाँ के पूजन का क्या महत्व है? पूजन का महत्व क्योंकि सबसे पौराणिक है, सबसे भव्य होली हरदोई यही है और आज से 168 साल पहले तो ये होली चल रही। आज 169वां होलिका दहन है। कहते हैं बाबा चंद्र सेन जी, जिन्होंने तो होली की प्रारंभ किया था, ये हरियाणा से बिहार जा रहे थे तो अचानक उनकी पंजाब मेल ट्रेन हरदोई आके बंद हो गया। ऐसी बंद हुई कि 3 दिन तक चली रही। वो यहाँ पे हरदोई बाहर निकले तो उन्हें हरदोई ऐसा पसंद आ गया कि वो यहीं के होकर रह गए। लेकिन जब उन्हें यहाँ के पता चला कि जित होलिका को बचपन से सुनते आ रहे हैं, यहाँ हरदोई में कहीं वो तो होलिका का नाम तक नहीं है, तो उन्होंने काफ़ी वो तो होलिका के बारे में पता लगाया। तब उन्हें विष्णु पुराण में जिस जगह का पता चला, उन्होंने उसी जगह पर ही, जिस जगह पर आज ये होली लगी हुई है, उसी जगह पर उन्होंने होलिका का पालन कराया और तब से ये होलिका आज 168 सालों से लगातार जल रही है। जैसा कि उन्होंने बताया, ये जहाँ पे होलिका लगी है इसका इतिहास काफी पुराना है। चंद्रसेन बाबा जो यहाँ से बिहार जा रहे थे, लेकिन उनकी ट्रेन यहीं खराब हो गई और वो यहीं रुके। हरदोई सिंह ने जिस होलिका की शुरुआत की थी, वो होलिका आज भी जलती चली आ रही है। इनका कहना है 168 साल हो चुके हैं और इसका पूजन एक दिन पहले से होता है। लोग यहाँ आ रहे हैं, अगर हम अपने कैमरे से आपको दिखाएं तो कई महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। होलिका जो आग है वो आज रात में लगनी है, लेकिन ये लोग अभी से ही इसका पूजन कर रही हैं। हरदोई से सिर्फ खबर के लिए सौरभ त्रिपाठी।